अभी भी क्या तुम्हारा भी तबीयत खराब होती कभी भी सालों? मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये क्या बोलते हैं यूट्यूब पे जितने भी मैं डालता हूँ अपना खाना पीना दिखाता हूँ, सब पे इतनी नज़र लगाई है सारा मेरे खाने वाने पे इतना कमेंट आया, मेरा पेट खराब हो गया लिटरली। पिछले 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं चक्कर काट रहा हूँ, समझ में आ रही बात? इतना पेट खराब हो गया मेरा। हालांकि गलती थोड़ी सी मेरी भी है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था। क्या है ना, लास्ट टाइम क्या था, अपन मैक्रोनी खाए थे, फिर उसके बाद वो मक्के की पकौड़ियाँ खाए थे और आलू वड़े खाए थे, दो दो आलू वड़े खा लिए थे, मतलब उसको वड़ा पाव बना के खाया था मैं। तो वो सारी चीज़ें एक साथ जो ऐसा मेरा सिस्टम हैंग हुआ है वो 2 दिन से हैंग ही चल रहा है। आज मैं पूरे 2 दिन के बाद कैमरा उठा के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं थी क्योंकि मैं चक्कर काटने में ही परेशान था और लेटा पड़ा था बस। बताओ इतना खतरनाक हालत। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी चल रहा है सितंबर एंड मेरे 500 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 219 देख रहे हो आप। 2 व्लॉग पीछे हो गया मैं शूट करते करते, वो तो अच्छा है मेरे पास 2-3 व्लॉग एक्स्ट्रा होते हैं तो करके अपन ने थोड़ा मेंटेन कर लिया। अदरवाइज व्लॉग चैलेंज पे खतरा नहीं था, व्लॉग चैलेंज खत्म ही था अगर मेरे पास एक्स्ट्रा व्लॉग ना होते तो। वो तो अच्छा है, जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो एक ही दिन के अंदर 2-3 जगह का लोकेशन कवर करने के चक्कर में अलग अलग व्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना, सब चीज़ एक साथ शूट करूंगा तो फिर वो बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा, सब 25-30 मिनट का, इसलिए मैं उसको 10-10 मिनट में डिवाइड कर देता हूँ। तो मतलब पहले से प्री प्लान करके करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम इंदौर गए थे उज्जैन, तो उस टाइम अलग अलग लोकेशन के अलग अलग व्लॉग्स बनाए थे मैंने कि अभी भी यहाँ पे आओ कभी भी, अभी भी वहाँ पे जाओ कभी भी। अदरवाइज तो मेरे पास एक्स्ट्रा व्लॉग ना होते तो मेरा व्लॉग चैलेंज तो खत्म ही था। आज अगर मैं पिछले 2 दिन शूट करता तो शायद 21 शूट कर रहा होता, अभी 219 ही शूट कर रहा हूँ। तो चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, बीच में 1-2 दिन की छुट्टी भी बनती है, इतना तो चलता है ताऊ। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी हो गई तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। आज थोड़ा नॉर्मल लग रहा है लेकिन फिर भी मैंने आज का रेस्ट लिया है, आज मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो अपन कल या परसों से ऑफिस जाएंगे, कल तो वैसे भी छुट्टी है तो परसों से ऑफिस जाएंगे अपन। और एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, पिछले 2 दिन से मैं नहाया तक नहीं होता हूं, खाली हाथ मुंह पैर धो रहा हूं और पिछवाड़ा धो रहा हूं अपना, धो धो के थक गया मैं, इतनी बार गया हूं पिछले 2 दिन में, कितने चक्कर काटे, अगर रिकॉर्ड करता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है चक्कर काटने का। वॉशरूम जाओ वापिस आओ, वॉशरूम जाओ वापिस आओ। अब अगर किसी ने मेरे खाने पीने पर नज़र लगाया है, कितना खाती नहीं मोटाती, कमेंट देखो जाके इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे कमेंट करते हैं लोग, इतना खाती, कई लोग तो सीधा पूछते हैं कितनी बार जाते हो फ्रेश होने के वास्ते। लो साले मैं गया हूँ कम से कम 25-30 बार पिछले 2 दिन में, आज बता रहा हूँ साफ साफ, अगर जानना है तो यहाँ पे आके देखो, साफ क्लियर बता रहा हूँ कितनी बार गया हूँ, 25-30 बार तो गया ही हूँ लगभग 25-30 नहीं ज़्यादा हो गए, 15-20 बार तो गया हूँ इतना तो पक्का है। क्या आपका भी पेट खराब होता है जब बाहर का ज़्यादा ठूस लेते हो? वैसे अभी सावन के टाइम में अधिकतर लोग का सुनने को मिल रहा है, मेरा कज़न छोटा ब्रदर है उसका भी पेट खराब हो गया है, मेरे मौसा जी हैं उनका भी पेट खराब हो गया, तो ऐसे करते करते फैमिली में ही कई लोग का सुनाई दे रहा है कि सबका पेट वगैरह खराब हो रहा है, तो उसके वजह से वो लोग भी चक्कर काट रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि पिछले 2 दिन मैंने क्या किया तो मैं अभी बताता हूँ। मैं यहीं पड़ा हुआ था दरियाई घोड़ा बन के, क्योंकि यहाँ से 4 कदम दूरी पे अपना वॉशरूम है, आप देख सकते हो यहाँ से 4 कदम, गेट खोलो अंदर जाओ और कमोड पे बैठ जाओ। तो बस यही काम कर रहा था मैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और खाने पीने नीचे जाता था, थोड़ी देर नीचे जाके सोफे पे भी लेट जाता था, और बस यही काम चल रहा था पिछले 2 दिन तक। और मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा या फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ना मूड एकदम खराब हो रखा था मेरा, क्योंकि पेट खराब था तो मूड भी खराब था। अभी थोड़ा आज ओके लग रहा है तो इसलिए ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्लॉग चैलेंज ख़त्म हो जाए, वैसे मेरा मन आज भी नहीं था शूट करने का, लेकिन मैं बोला यार 2 दिन का गैप हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया 2 दिन, मतलब बैक टू बैक शूट करना रहता है, मैं कितने दिनों से, मतलब लगभग 200 दिनों से कंटिन्यूसली शूट कर रहा हूँ डेली, और ऐसा बीच में 2 दिन का ब्रेक मेरे को अजीब सा लग रहा था कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा डेली रूटीन हैबिट हो गया, मेरा ये हैबिचुअल हो गया मैं इस चीज़ की, ऐसा कैमरा उठाओ बात करो खुद से, मतलब कैमरा से, यानी कि आप लोग से अल्टीमेटली। और देखो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सब्सक्राइबर और ऐसे 2000 तक पहुँचाओ जल्दी से यार, बहुत धीरे धीरे चल रहे अपन, यूट्यूब ने भी ऐसा एकदम अपना रीच वीच एकदम डाउन करके रखा है, कोई एक्स्ट्रा नया रीच पहुंच ही नहीं रहा है, ना मिनी ब्लॉग पे जा रहे हैं ना फुल ब्लॉग पे जा रहे हैं, तो अभी तक तो वॉच टाइम भी अपना कोशो दूर है, मोनेटाइजेशन की कोई तो वही नहीं है, मतलब मोनेटाइज कब होगा उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कम से कम सब्सक्राइबर ही बढ़े, मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या बोलती पब्लिक। तो थोड़ा शेयर वगैरह करो अपने दोस्तों को पकड़ के, सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़, थोड़ा हेल्प करो यार। तो क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने ऐसे कैमरा से वार्तालाप नहीं किया तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मेरे को, वाह पुराना दोस्त वापस आ गया भाई भाई बात करते बैठ के। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि
अभी सुबह का मेरा नाश्ता पानी रेडी हो चुका है, मतलब मासी ने पोहा बनाया है तो मैं चल के अभी पोहा खाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी काम जो आप सबको करना चाहिए, सुबह सुबह सबसे पहले उठते साथ ये वाला यंत्र उठाएं और अपने दांतों की घसाई में लग जाएं। तो मैं दांत घस के चलता हूं, फिर पोहा खाएंगे। उई माँ, 2 दिन बाद कैमरा उठाया, हाथ दुख गया यहाँ से भाई। 5 मिनट के अंदर हाथ दुख गया, इतनी कमजोरी आ गई मेरे को, क्या करो। सारा मटेरियल जो एनर्जी देता है वो तो पेट से ऐसा अंदर डालो बाहर ही निकल रहा था। वैसे भी मैं कुछ खास खा नहीं रहा था, मैं खिचड़ी वगैरह ही खा के जिंदा हूँ पिछले 2 दिन से। सालो मेरे खाने पर नजर लगाते हो, शर्म नहीं आती। तो पूरे 2 दिन के बाद मैं कुछ अच्छा आइटम खा रहा हूँ, जैसे कि ये पोहा, अदरवाइज खिचड़ी पे ही जिंदा था। तो नाश्ता पानी करने के बाद मैं कर रहा था अपना पसंदीदा काम, बोलने से आराम। तो आराम हो गया काफी, और मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ, पिछले 2 दिन से नहाया नहीं हूँ तो आज नहाना बनता है। तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है, मतलब 2 दिन ऐसा बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन नहीं नहाया हूँ। ठंडी के टाइम पे होता था कि एक दिन नहाता था एक दिन नहीं नहाता था, लेकिन अभी गर्मी में ऐसा थोड़ा अजीब हो जाता है। हालांकि तबीयत खराब थी तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा मन हो नहीं रहा था इसलिए मैं नहाया नहीं, अदरवाइज तो नहाता हूँ रेगुलर में। तो अभी चलते हैं नहा धो लेते हैं, तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, थोड़ा 2 दिन से ऐसा तबीयत की वजह से अजीब सा लग रहा है तो वो भी थोड़ा ठीक लगेगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, देखो डेली ना हो चाहे 2 दिन में एक बार ना हो, नहाने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर से आलस निकल गया है और आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। तो मेरे को आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहा धो के बढ़िया लग रहा है। और अब अपन थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद मैं करूँगा ब्लॉग एडिट, क्योंकि क्या है ना, पिछले 2 दिन से मैंने कोई ढंग का ब्लॉग एडिट किया है नहीं। जो ब्लॉग्स पुराने थे उनको ढंग से एडिट करके शेड्यूल करके अपलोड तो कर दिया था जब भी हिम्मत हो रही थी, वैसे ब्लॉग्स टाइम पे आए मेरे 2 दिन तक, बस वही मेरा अचीवमेंट था पिछले 2 दिन में और कुछ नहीं। तो आज थोड़ा टाइम निकला है और कल छुट्टी भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग एडिट कर लेते हैं, ताकि अपने को क्या है ना, फिर से अगर कभी तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो ब्लॉग्स तो होने चाहिए पास में। वैसे अभी ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 2-3 दिन में झेल गया बहुत, तो अब और नहीं झेलना है। जब भी तबीयत ख़राब होती है सब कुछ ज़्यादा ही अजीब टाइप का लगता है, लगता है क्या चल रहा है ज़िंदगी में, एकदम अजीब सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो ठीक है, नहाना धोना हो गया, लेकिन अभी मेरे को पसीना पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं ना पंखा बंद करके अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो 2 मिनट भी बिना पंखे के रह रहा हूँ तो तुरंत पसीना हो जा रहा है, और बहुत पंखा तेज़ भी कर दे रहा हूँ तो फिर मेरे को ठंडी लगने लग जा रही है। अलग ही टाइप का तकलीफ चल रहा है ज़िंदगी में। तो चलते हैं, दवाई सवाई खा के थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बताओ, तबीयत खराब होने की वजह से पिछले 2 दिन से मैंने पूजा पाठ भी नहीं की थी, तो इसलिए आज अभी जल चढ़ाया, पूजा किया। वैसे मैं भूल गया था, मैं नीचे जाके केले खाने जा रहा था, मतलब नहा लिया तो सोचा बिस्किट और कुछ ऐसा खाया जाए, फ्रूट्स वगैरह, तो मासी ने याद दिलाया जा जल चढ़ा गया, तो मैं आया अभी जल चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, पूजा पाठ कर ली, अब चलते हैं कुछ खाते हैं। तो ये डब्बा देख के मुझे मन कर रहा था बिस्किट नमकीन खाने का, लेकिन मैंने अकेले खाए हैं ये 2-2 केले, ताकि मेरा पेट थोड़ा ठीक रहे और हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ मैं थोड़ा आज की डेट में, ताकि मेरा पेट अच्छा रहे। तो इसलिए मैं अभी खीरा ककड़ी काट के खा रहा हूँ, और देखो खाने में भी बढ़िया, दाल चावल दही खाओ, प्रभु के गुण गाओ और अपना पेट संभाल के आगे बढ़ते जाओ। तो जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने खाया दाल चावल, उसके पहले खाए केले थोड़े कच्चे थे तो एक ही खाया, 2 लिया था खाने के लिए, फिर केले खाने के बाद ऐसा क्या मुंह अजीब सा हो गया था तो बिस्किट भी खा लिया, और दाल चावल अभी खाने के बाद जो आनंद मिल रहा है उसका मैं बता नहीं सकता। दाल चावल के साथ दही खाते हो आप कि नहीं खाते? मेरे को दाल चावल चोखा पसंद है, दाल चावल दही पसंद है, दाल चावल आलू की भुजिया पसंद है, दाल चावल कोई सी भी भुजिया पसंद है। लोग मेरे से क्या कमेंट कर करके पूछते थे, तुम चावल नहीं खाती, चावल नहीं खाती। मैं आजकल चावल ही दिखा रहा हूँ, लोग चावल ही चावल खा रहा हूँ मैं। हालांकि पिछले 2 दिन मैंने खिचड़ी खाई थी, तो वो खिचड़ी बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो मैं अब दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। इसलिए मेरे को लगता है कि हर दिन रिकॉर्ड करना कितना अच्छा हो जाता है ना, मतलब जो भी कर रहा हो सब चीज़ रिकॉर्ड करो। ये 2 दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं करके थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत कर दिया, लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी। आगे से अपन इस बात का ध्यान रखेंगे कि डेली रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग डेली करनी है, मतलब ब्लॉग डेली तो बनाना ही बनाना है और ब्लॉग चैलेंज भी पूरा करके दिखाना है। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको दाल चावल खाने के बाद पटेहाल नींद आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मेरे को अभी आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मिलते हैं लंबे से नैप के बाद। तो कर करके आराम हो गई है शाम, अभी मासी ने भूजी है मूंगफली, तो चलो चल के खाते हैं कचा बादाम, खाते हैं कचा बादाम। आगे का लाइन में भूल गया, मेरे को समझ में भी नहीं आता था वो चाचा जान बोलता क्या था, बस कचा बादाम याद है मेरे को। तो जो भी है कचा बादाम खाते हैं। तो ये थोड़ा अलग ही टाइप का कचा बादाम है, बादाम कच्चा तो है लेकिन अंदर से गीला भी है, मिक्स वैरायटी, बॉयल टाइप का फीलिंग आ रही है। और कचा बादाम के साथ मैंने खाए ओरिजिनल बादाम, क्या है ना, तब कच्चे बादाम से कुछ नहीं होता, कभी कभी ओरिजिनल भी खा लेना चाहिए। तो कचा बादाम के साथ साथ ओरिजिनल बादाम भी खा लिया है, बुद्धि बढ़ा लिया है, और अभी जा रहा हूँ एक जरूरी काम निपटाने, लगभग 1.5 घंटा लगेगा, और वो काम निपटा के आऊंगा तो फिर ब्लॉग एडिट करूंगा, क्योंकि क्या है ना, तब ब्लॉग अगर एडिट ना हुआ समय पे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वैसे भी 2 दिन मैंने ऐसे वेस्ट किए हैं,
हालांकि ब्लॉग एडिट कर लिया था लेकिन फिर भी वेस्ट हुए। और आज मैंने पहली बार ऐसे गीली मूंगफली भूज के खाई है। मतलब देखो, मैंने ना छत्तीसगढ़ गया तो वहाँ पे मूंगफली बॉयल करके खाते हैं, वो खाई थी। बनारस में था तो वहाँ पे मूंगफली भूज के खाते हैं, वो तो पता ही है, मतलब पूरी खड़ी मूंगफली भूज के खाते हैं, तो भूजी भूजी अच्छी लगती है। ये भूजी हुई थी लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि बॉयल्ड है, तो ये अलग ही कॉम्बिनेशन था, विचित्र। तो अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग टाइप की चीज़ें खाने मिलती रहती हैं, मजा आते रहता है, जीवन चलते रहता है, क्या ही तकलीफ है। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, काम निपटा के जल्दी घर वापस आना पड़ेगा। तो काम निपट गया, घर वापस आ चुका हूँ और अभी कपड़े धोते चेंज करके ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, अपलोड करके शेड्यूल कर देते हैं और उसके बाद टेंशन फ्री होकर अपन डिनर करेंगे। तो डिनर में आज है आलू लौकी की सब्जी, साथ में है दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और सारी टेंशन भूल जाओ। तो देखो, कर लिए हमने पूरी तैयारी, डैश डैश कर देंगे तुम्हारी। अब ये डैश डैश फिलिंग द ब्लैंक्स है, अपने हिसाब से भर लो, कमेंट में मत लिखना जो समझ गए। तो देखो, डिनर शिनर हो गया और अब आ रही है नींद। लेकिन नींद से पहले एक काम निपटाना है, मैंने ब्लॉग अपलोड पे लगाया है, आधा ही हुआ है, 42%, अभी देखाऊं तो 58% और कंप्लीट होगा, फिर वो HD होगा, फिर प्रोसेस होगा और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आधा घंटा मेरे ख्याल से खाएगा, तो उसके बाद अपन सो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 219 यहां कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। एक सांस में पूरा बोल दिया भाई साहब, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दो, एक आग इमोजी डाल दो, कुछ तो करो कमेंट में, कुछ भी करो। वहां जाके तुम पॉटी वाली इमोजी डाल दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, पॉटी वाली इमोजी। हालांकि कुछ टाइम तक मैं उसको चॉकलेट वाली इमोजी समझता था, लेकिन वो पॉटी वाली इमोजी है, तो उसको डाल दो तो भी मेरे चैनल पे थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मतलब मेरे वीडियो को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा रिकमेंडेशन जाएंगे और थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मेरा वॉच आवर्स बढ़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मतलब ऐसे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और वॉच आवर बढ़ेगा, तो मैं धीरे धीरे मोनेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ूंगा। मोनेटाइजेशन अपना बहुत कोसों दूर है अभी, वहाँ तक पहुँचने में पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं, तो वहाँ तक जल्दी पहुँचाएँ और कमेंट करके सोने जाएँ। सोने नहीं जाए, मतलब आप तो दोपहर में देख रहे होगे, जब भी देख रहे होगे कमेंट करके ही यहाँ से आगे जाएं। तो मैं सोता हूँ, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में।